मुजफ्फरगढ़ में हस्ता बस्ता घर उजड़ गया। सफाक शख्स ने बीवी और सात बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम गिरफ्तार, आलाय कत्ल बरामद, तफ्तीश जारी। जराये के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर अहले खाना को कत्ल किया। सज्जाद खोकर दर्जियों का काम करता था और गुर्बत से तंग था। बच्चों की उम्रें 6 माह से 8 साल के दरमियान है। ठट्ठा की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। शाहनूरानी अलमनाक हादसे में जा बहक, 17 अफराद की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला सिंध की भी शिरकत, मकामी कब्रिस्तान की इज्तिमाई कब्र में तदफीन। घरों से लाशें उठने पर कोहराम मच गया। 12 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे से पहले दरगाह पर रवानगी की वीडियो आज न्यूज को मिल गई। ठट्ठा से दरगाह शाहनूरानी जाने वाला ट्रक खाई में जा गिरा था। ट्रक पर 100 से 120 अफराद सवार थे। सिविल अस्पताल कराची में हादसे के 6 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक, 40 को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रॉमा सेंटर आमद, जख्मियों की अयादत की। कहा बलूचिस्तान हुकूमत हादसे की तहकीकात जरूर करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का जायरीन की गाड़ी के हादसे पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताजियत, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी का भी दुख का इजहार। पाकिस्तान में महंगाई 25% की ऊंची सतह पर रहने का इम्कान। शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान का माशी तरक्याती आउटलुक गैर यकीनी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल इस्तेहकाम और इस्लाहात के लिए खतरा है। पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। ईद पर घर घर दावतों के सेशन, खवातीन मर्द बच्चे सभी ईद की खुशियों में मगन। दूसरे रोज भी ईदी वसूली मुहिम जारी। घरों में सेवइयों, शीर खोरमा, लबी शीरी से मेहमानों की तवाजो। बिरयानी, कढ़ाही, पुलाव और दीगर पकवानों पर भी हाथ साफ किया। ईद के लम्हात को यादगार बनाने के लिए तस्वीर और सेल्फियां भी बनाई। नौजवानों का फास्ट फूड के मजे लेने, शाम को रेस्टोरेंट जाने का भी प्लान। हम पहले मम्मा पापा से ईदी लिया, अब हम पार्क में आए हैं, हम खूब इंजॉय कर रहे हैं, अब मैं आइसक्रीम भी खा रही हूँ। हमने सुबह अपने मम्मा पापा से ईदी ले, हम पार्क में हमने स्लाइड ली, पेंग ली, झूले लिए और आइसक्रीम। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, बच्चों की खूब मौज मस्तियाँ। पार्क्स और चिड़ियाघर पहुँच गए, आइसक्रीम, फालूदा और मजे मजे की चीजें खाई। झूलों का लुत्फ भी उठाया, हल्ला गुल्ला और सैर तफरी। सी व्यू पर भी शहरियों के डेरे। वजीर आजम का सिक्योरिटी इदारों को ईद पर अमन अमान यकीनी बनाने पर खराज तहसीन। पाक फौज के अफसरान और जवानों की तारीफ। चारों IG सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के इकदाम को सराहा। कहा ईद पर अपने प्यारों से दूर, फराइज की अंजामदही पर पूरी कौम सलाम पेश करती है। ईद पर भी गैस गायब, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग से अवाम परेशान। त्यौहार पर पकवानों की तैयारी मुश्किल हो गई। कहते हैं कल रात से गैस नहीं आ रही, ईद पर भी गैस की लोड शेडिंग हैरानकुन है। दो दिन हो गए माशाल्लाह, कल भी हमने नाश्ता बाहर किया है। ये रिवार्ड जो है हमारे हस्बैंड को जाता है, तो माशाल्लाह आज भी हम बाहर एंजॉय कर रहे हैं। ईद वाले दिन कर करके थक जाते हैं ना, तो हमारा यही होता है कि अब अगले दिन तो होना चाहिए, इसलिए हम भी लेके निकल आए हैं कि अब हमें कुछ खिलाए। गर्मा गर्म नाश्ते से ईद का मजा दोबारा। शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया। मजेदार पाए बोंग, नान चने, अंडा पराठा और हलवा पूरी समेत दीगर खानों से लुत्फंदोज। वजीर आजम का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, ईद उल फित्र की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, फलस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जुल्म के खात्मे के लिए दुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कुवैत के हम मनसब शेख मोहम्मद सबाह अल सालम अल सबाह के राबता दो तरफा तावुन को फरोग देने का आज़म। कुवैती वजीर आजम का पाकिस्तान के साथ तावुन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार। जंगी जुनून में मुब्तला इजरायली फौज की ईद पर भी वहशियाना बमबारी। गजा के शाहदी पर नगजीन कैंप पर इजरायली हमले में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते शहीद।
इस्माइल हनिया की तस्दीक, कहा मेरे बच्चों का खून फलस्तीनी अवाम के बच्चों के खून से ज्यादा कीमती नहीं, बेटों की शहादत से जंग बंदी की कोशिशों पर असर नहीं पड़ेगा। ईरानी सदर की इस्माइल हनिया से बेटों और पोतों की शहादत पर ताजियत, कहा शहादत से उन्हें हुकूमत की वहशत की एक और निशानी है। इसराइल अपनी हजीमत आमेज शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए इंसानी और इखलाकी इकदार पामाल कर रहा है। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान अगले हफ्ते अहम दौरे पर अमरीका रवाना होंगे। मसला फलस्तीन पर सलामती कौंसिल के 18 अप्रैल के इजलास में शिरकत करेंगे। सादिकाबाद में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार कार उलट गई, हादसे में दो नौजवान जां भाग, चार शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पड़ोसी मुल्क भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों की जामे मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर ईद उल फितर की नमाज के इज्तमात, लोगों की एक दूसरे से गले मिलकर ईद सईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करूंगा, पाकिस्तान के वजीर आजम ने मनसब संभाला तो उन्हें मुबारकबाद दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान, कहा भारत दहशतगर्दी और तशद्दुद से पाक माहौल में अमन सलामती और खुशहाली को आगे बढ़ाने की वकालत करता है। यहाँ का जो मौसम है बहुत प्यारा है, इस वक्त हम बादलों में हैं। मैं तो पहली दफा इधर आया हूँ तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, काफी प्यारा इलाका है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, थोड़ी थोड़ी बर्फ है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ईद उल फितर की खुशियां यादगार बनाने के लिए मुल्क भर से सयाहों के वादी सवात में डेरे, खूबसूरत नज़ारों और खुशगवार मौसम से महसूस हुए, चेयरलिफ्ट के भी मजे लिए। वादी काखान के सयाहती मकाम शुगरान में तीन रोजा ईद फेस्टिवल का आगाज, म्यूजिक और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद, मकामी सकाफत को भी उजागर किया जाएगा। ईद पर अंडों की जंग, अंडे लड़ाने का अनोखा बलोची खेल, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में ईद पर मेले लगते हैं, उबले अंडों के सिरे एक दूसरे से टकराए जाते हैं, जिसका अंडा टूट जाता है वो अंडा हार जाता है। सऊदी प्रो लीग स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और करीम बेंजेमा की ईद उल फितर की मुबारकबाद, सोशल मीडिया पर रोनाल्डो ने सफेद लिबास में तस्वीर पोस्ट की, करीम बेंजेमा ने फ्रांसीसी और अरबी दोनों जबानों में वीडियो पैगाम शेयर किया। कौमी विमेन क्रिकेटर आलिया रियाज का अली यूनुस से निकाह कल होगा, तकरीब में कवाली नाइट का भी एहतमाम, आलिया रियाज और अली यूनुस की मंगनी चंद रोज पहले हुई थी।